स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेस 2019। तकरीबन 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनावी रण की तैयारी अभी से शुरू भी हो चुकी है। सियासी पारा उफान पर है और सियासी पारी में उतरने की चाह रखने वाला हर उम्मीदवार आस लगाए बैठा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पार्टी उसी को मैदान में उतारेगी जो पार्टी में दमखम रखता हो। इसी दावेदारी की परख के लिए हाजिर हैं हम अपने खास कार्यक्रम रेस 2019 के साथ। टोटल टीवी के सर्वे रेस 2019 में आज नारनौंद के संभावित उम्मीदवारों पर जनता की राय क्या है ये आपको बताएंगे। तो टोटल न्यूज का कारवां आगे बढ़ा है और अब बारी है नारनौंद की। प्रतिष्ठा की सीट है नारनौंद की सीट, क्योंकि यहां से जो मौजूदा विधायक हैं वो हरियाणा सरकार में बड़ा कद रखते हैं। कद्दावर नेता है कैप्टन अभिमन्यु, जो कि वित्त मंत्री भी हैं। तो प्रतिष्ठा की सीट क्या है और नारनौंद से संभावित उम्मीदवार कौन कौन है ये हम आपको बताएंगे। काउंटिंग सेंटर भी तैयार हो चुका है। काउंटिंग सेंटर पर किस तरह की तैयारियां चल रही है, साकिर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साकिर, काउंटिंग सेंटर पर क्या गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, काउंटिंग सेंटर तैयार है नारनौंद के इस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर। कई नाम सामने थे लेकिन ये हाई प्रोफाइल सीट है, कैप्टन अभिमन्यु की सीट है, लिहाजा इस पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी। इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम के साथ हम जनता के बीच पहुंचे थे और अब काउंटिंग सेंटर में उस मत को लेकर, जो मत जनता ने दिया है, उसकी मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतगणना की शुरुआत हम करते हैं। बिल्कुल, मतगणना शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, डब्बे खुल रहे हैं। जनता की राय क्या है निकलकर सामने आने वाली है। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि बड़ा फैसला प्रदेश की जनता ने क्या दिया है। कैप्टन अभिमन्यु की टक्कर में किसको देखना चाहती है प्रदेश की जनता और कैप्टन अभिमन्यु को दोबारा से चुनावी मैदान में देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती है ये भी आपको बताएंगे। साकिर, आप काउंटिंग को जारी रखिए, दोबारा आपके पास आएंगे। तो रेस 2019 के लिए सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं चर्चा में, जो अपनी अपनी राय देंगे। सुजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इनपुट एडिटर है। महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं हिसार के हमारे। और वीरेंद्र सोनी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। रेस 2019 कार्यक्रम में हम बताएंगे कि कैसे सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों में सभी अपने अपने आप को हैवीवेट साबित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सही मायने में हैवीवेट कौन है, जिसका वजूद वास्तव में पार्टी भी मान रही है? रेस 2019 के सर्वे में क्या है जनता की राय, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में चुनावी हलचल अब तेज हो चुकी है और सियासी पारी में उतरने की चाह रखने वाला हर उम्मीदवार आस लगाए बैठा है कि किसी पार्टी से अगर टिकट मिल जाए तो वो भी अपनी किस्मत आजमा ले। लेकिन इस बार से तर एक सच्चाई ये भी है कि पार्टी उसी को मैदान में उतारेगी जो पार्टी में दमखम रखता हो। दरअसल यहाँ लोग अब किस पार्टी को वोट देंगे इसकी चर्चा कम हो रही है, बल्कि चर्चा इस बात की ज्यादा कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसे टिकट दे रही है। और इसी को लेकर टोटल टीवी एक सर्वे कर रहा है और आज बारी है नारनौंद विधानसभा की, जहां से हरियाणा सरकार के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु विधायक है और इसीलिए ये चर्चित सीट है और इस वक्त यहां राजनीति अपने चरम पर है। इसी राजनीति के बीच टोटल टीवी की टीम संभावित उम्मीदवारों के नाम लेकर पहुंची नारनौंद विधानसभा क्षेत्र और ये संभावित नाम हमने लिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों से जो समाज में अहम पहचान रखते हैं। और इन्हीं प्रतिष्ठित पार्टियों और सम्मानित लोगों से हमें मिले चारों पार्टियों के, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो में चुनाव लड़ने लायक और जनता के बीच लोकप्रिय दो दो तीन तीन सक्रिय नाम। और इन्हीं नामों को लेकर हम पहुंचे जनता के बीच और जानी उनकी राय। बता दें कि टोटल टीवी की टीम ने ये पूरा सर्वे 8 और 9 जुलाई को किया है। टोटल टीवी की टीम नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में 33 इलाकों में पहुँची। नारनौंद विधानसभा में 1,96,776 मतदाता हैं। इस सर्वे में टोटल टीवी की टीम ने नारनौंद विधानसभा में लगभग हर इलाके, गांव और कस्बे में पहुंचकर एक बड़ी संख्या में लोगों से राय ली। ये कोई पहली बार नहीं है और ये कोई पहला सर्वे भी नहीं है जो टोटल टीवी कर रहा है। टोटल टीवी अक्सर जनता के बीच जाकर जनता की राय लेकर सर्वे करता रहा है और हमारे इस सर्वे की सबसे खास बात यही रही कि टोटल न्यूज के सर्वे हकीकत के और नतीजों के बेहद करीब रहे हैं।
और शायद यही वजह है कि आम लोगों का टोटल न्यूज में भरोसा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो हमारे खास कार्यक्रम रेस 2019 में आज बारी है नारनौंद विधानसभा की, तो चलिए आपको मिलवाते हैं संभावित उम्मीदवारों से और रूबरू करवाते हैं इनकी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत से। उम्मीदवारों के बारे में जनता की राय जानने के लिए टोटल टीवी एक सर्वे करवा रहा है और टिकट की रेस 2019 में आज बारी है नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मौजूदा विधायक है हरियाणा सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। वहीं बीजेपी में टिकट की रेस में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो यहां हमें बीजेपी से तीन मजबूत दावेदार मिले, इनमें सुदेश चौधरी, अजय सिंधु और कैप्टन अभिमन्यु जो चर्चित नाम है। हरियाणा सरकार में पावरफुल मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु। सरकार में इनके पास वित्त, राजस्व, आबकारी और कानून मंत्रालय भी है। नारनौंद विधानसभा से मौजूदा विधायक है कैप्टन अभिमन्यु। टिकट के रेस में बीजेपी में ही दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं सुदेश चौधरी। वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं सुदेश चौधरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला खाप अध्यक्ष भी हैं सुदेश चौधरी। बीजेपी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं अजय सिंधु, जो जमीनी नेता माने जाते हैं। हिसार बूथ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं अजय सिंधु। रिश्ते में कैप्टन अभिमन्यु के भतीजे हैं अजय सिंधु। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी हमें तीन मजबूत संभावित उम्मीदवार मिले जो टिकट की रेस में शामिल हैं। इनमें राजवीर संधु हैं। यूथ कांग्रेस पंचायती राज सेल हरियाणा के चेयरमैन हैं। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। 2005 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं राजवीर संधु। कांग्रेस में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं प्रोफेसर राम भगत शर्मा। 2000 में नारनौंद सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं भगत शर्मा। तैराकी के भी अच्छे खिलाड़ी हैं प्रोफेसर राम भगत शर्मा। कांग्रेस में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय चौधरी, जो कांग्रेस और हरियाणा की राजनीति में काफी चर्चित नाम है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश महासचिव के पद पर काबिज है। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं अजय। वहीं अगर बात करें जेजेपी की तो जेजेपी में भी हमें तीन मजबूत दावेदार मिले जो संभावित उम्मीदवारों की रेस में शामिल हैं। इनमें उमेद लोहान। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर काबिज है उमेद लोहान। अजय सिंह चौटाला के सबसे करीबी माने जाते हैं उमेद लोहान। जेजेपी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं राम कुमार गौतम, जिन्हें चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है। वर्तमान में जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राम कुमार गौतम। नारनौंद से ही 6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जेजेपी में ही तीसरे संभावित उम्मीदवार की बात करें तो अमित बूरा भी चर्चित नाम है और टिकट की रेस में शामिल है। जेजेपी में युवा विंग हिसार के जिला अध्यक्ष और टिकट रेस में है। बात अगर इनेलो में संभावित उम्मीदवारों की करें तो यहां भी तीन नाम मिले, जिनमें जस्सी पेटवार युवा विंग के प्रदेशाध्यक्ष हैं और टिकट की रेस में शामिल हैं जस्सी। इनेलो में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं सतवीर सियास, जो कि टिकट रेस में शामिल हैं। इनेलो के हिसार जिला अध्यक्ष हैं और टिकट की रेस में शामिल हैं। सतवीर सिसाए पार्टी के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं। इनेलो में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं राज सिंह मोर, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और फिर चुनावी मैदान में हैं। 2014 में कैप्टन अभिमन्यु के सामने लड़े लेकिन हार मिली। बता दें कि इन चारों पार्टियों में मिले नाम को लेकर टोटल न्यूज ने सर्वे किया है और इन्हीं नामों पर जनता ने अपनी राय दी है और जनता ने किस पार्टी के किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया है, यही देखने को मिलेगा आपको टोटल न्यूज के सर्वे में। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। खास मेहमानों से आपका परिचय पहले ही करवा चुके हैं, बिना देरी के साथ सीधे रुख करते हैं महेश की तरफ, हमारे ब्यूरो चीफ हिसार से। महेश, नारनौंद की बात करें, प्रतिष्ठा की सीट और कैप्टन अभिमन्यु जो कि सिटिंग एमएलए है, बड़ा कद रखते हैं सरकार में, उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड नारनौंद की जनता क्या दे रही है?
देखिए साफ तौर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार समान विकास की बात करती है, तो ये कहा जा सकता है कि बतौर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सबसे ज्यादा खर्च अगर किया है तो नानोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किया है। अपनी विधानसभा सीट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए खजाना खोलने का काम यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से किया गया। चाहे एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ने वाले लिंक रोड की बात की जाए, चाहे हांसी जींद रोड की बात की जाए, उसे चौड़ा करने का काम, उसकी जो क्वालिटी है उसे सुधारने का काम, क्योंकि काफी टूटा फूटा ये जो पूरा रोड है हमेशा देखने को मिलता था, लेकिन अब उस रोड को चौड़ा किया गया। इसके अलावा लिंक रोड जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले जो लिंक रोड थे उन्हें बेहतर बनाया गया। इसके अलावा जो कच्ची सड़कें हैं, कच्चे जो रास्ते हैं उन्हें पक्का करने का काम किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 2 ITI तैयार की गई है, एक जो है महिला कॉलेज भी नानोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खोलने का काम किया गया है। बात अगर नानोद शहर की जाए तो वहां पर अस्पताल को अपग्रेड करने का काम जो है कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से किया गया। इसके अलावा एक जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वो नानोद के अंदर बनाया जा रहा है, और इसके अलावा DSP रैंक के अधिकारी को नियुक्ति दी गई है, SDM रैंक के अधिकारी जो है नानोद के अंदर बैठने शुरू हुए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है, शिक्षा के क्षेत्र में इलाके को आगे लाने की कोशिश की गई है, और इंडस्ट्रियल जोन की भी अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके को एक औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास इस इलाके में लाया जा सके। तो साफ तौर से हर क्षेत्र में जो कहा जा सकता है कि जिसका फायदा सबको मिलेगा, तमाम वो कोशिशें कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से की गई हैं। और यह भी सच है कि हिसार जिले में अगर सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं सरकारी पैसा खर्च किया गया है तो नानोद विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन अभिमन्यु ने वो कोशिश की है। जी वीरेंद्र सोनी साहब, सियासत की इस क्लास में कई सारे सब्जेक्ट हैं, शिक्षा का क्षेत्र की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, उद्योग जगत की बात करें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं नारनौंद की जनता जिस पर नंबर देगी, लेकिन सियासी लहर जो है वो क्या चल रही है? देखिए अभी महेश जी बता रहे थे नारनौंद में अच्छा विकास हुआ है, लेकिन नारनौंद की आबादी भी बड़ी है तो लोगों को विकास की काफी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। अभी वहां पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के लिए जो पानी का प्रबंध है वो भी पर्याप्त नहीं है, वहां लोगों की अपेक्षाएं काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां विकास में कमी नहीं रही। लोगों की अपेक्षाओं के कारण ही वहां जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हालांकि वहां इंडस्ट्रियल हब बनाने के प्रयास हो रहा है, पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन जितने उद्योग धंधे आने चाहिए थे उतने नहीं आए, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा के लिए ITI भी खोली है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, नारनौंद में सबसे बड़ा चौधरी वीरेंद्र सिंह 4 बार यहां से विधायक रहे, बिजली एवं सिंचाई मंत्री रहे, लेकिन जो नारनौंद के उस समय जो है वैकल्पिक प्रबंध किए गए, नारनौंद की स्थायी समस्या के लिए समाधान की दिशा में जो पग उठाए जाने चाहिए थे उस तरह का पग नहीं उठाए गए, और यही कारण है कि कई तरह की समस्याएं आज विकराल रूप धारण किए हुए हैं। नारनौंद जो है ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस विरोधी माना जाता है, यहां कांग्रेस को जीत के लिए लाले रहे हैं, और ये बात देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी से भी जीते, इनेलो से तो कई बार 4 बार चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जीते हैं, और इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट राम भगत भी जीते हैं। तो इस तरह कांग्रेस को अपना यहां अपनी सीट लेने के लिए बहुत समय से प्रयास करना पड़ रहा है, और इस समय का जो वातावरण बना हुआ है ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस की कोई यहां पर वापसी हो पाएगी या कांग्रेस इस सीट को जीतने में सक्षम हो पाएगी। कांग्रेस में विभाजन है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल बना हुआ है, और उम्मीदवारों की संख्या भी ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा है, और इंडियन नेशनल लोकदल के भी, और जजपा का जब जो इस तरह का पारिवारिक विभाजन हुआ है उसके बाद तो उनकी शक्ति क्षीण होकर रह गई है। जी सुजी जी, वित्त मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु के पास तब भी यहां पर विकास को लेकर अभी लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, विकास कह रहे हैं हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितनी उम्मीदें थी। राजस्व विभाग रहा है कैप्टन अभिमन्यु के पास, आबकारी विभाग रहा है, कानून मंत्रालय रहा है, तो भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं नारनौंद में। इन तमाम गणितों को अगर आप देखें तो कैप्टन अभिमन्यु के फेवर में कौन से पॉइंट आप जाते देखते हैं? देखिए कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री हैं, और जब से सरकार बनी है तभी से वो वित्त मंत्री हैं, और जाहिर तौर पर है जिसके पास वित्त मंत्रालय होता है उसके इलाके में ज़्यादा काम होते हैं, और ख़ास तौर से मंत्री हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत सारे विभाग उनके पास हैं, तो वो अपने विभागों के माध्यम से भी और दूसरे मंत्रालयों के जरिए भी अपने क्षेत्र में विकास कराने की कोशिश होती है। हर विधायक जो है, चाहे वो मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों,
सबसे पहले वो विधायक हैं, तो कोशिश होती है कि जहाँ से वो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में विकास के काम ज़्यादा करवा पाएं, ताकि उनकी सीट जो है सेफ सीट बनी रहे, सुरक्षित रहे, अगले चुनाव में वो जाएं तो जनता जो है विकास को लेकर उनको घेरे ना। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम काम उन्होंने किए, लेकिन फिर भी जनता की अपेक्षा ज्यादा रहती है। जनता जब मंत्री कोई उनके इलाके का विधायक बनता है तो उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहती हैं, तो उसी तरीके की अपेक्षा कैप्टन अभिमन्यु से भी वहां के लोगों की है। लेकिन अगर विकास के क्षेत्र में पहले से ही वो बहुत पिछड़ा रहा है तो अभी भी वहां पर विकास की जरूरत लोग महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, विकास के क्षेत्र में पहले से ही पिछड़ा रहा है और अब जब वित्त मंत्री ही मौजूदा विधायक हो तो लोगों की उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में प्रतिष्ठा की सीट है नारनौंद, और नारनौंद की जनता क्या चाहती है ये हम आपको बताएंगे काउंटिंग सेंटर से। बड़ा फैसला, सबसे बड़ा फैसला सबसे पहले क्या निकल कर आया साकेत? बिल्कुल, अब नारनौंद की इस सीट को लेकर कांग्रेस के तीन संभावित नाम हमारे सामने थे जिसको लेकर जनता के बीच हम पहुंचे थे। राजवीर संधु, प्रोफेसर राम भगत शर्मा और डॉक्टर अजय चौधरी, ये तीन नाम थे जिस पर जनता की राय हमने ली थी। इसमें डॉक्टर अजय चौधरी को 19.24% लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं प्रोफेसर राम भगत शर्मा को 38.46% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं राजवीर संधु इस रेस को जीत रहे हैं 42.30% लोगों के समर्थन के साथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजवीर संधु सबसे आगे 42.30% वोट के साथ। संभावित उम्मीदवारों की सूची लेकर जब हम जनता के बीच गए तो जनता ने अपनी पहली पसंद उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राजवीर संधु को बताया। वहीं दूसरे नंबर पर रहे प्रोफेसर राम भगत शर्मा 38.46% वोट के साथ। डॉक्टर अजय चौधरी सबसे पीछे 19.24% वोट के साथ। वीरेंद्र सोनी साहब, जब एंटी कांग्रेस वेव नारनौंद में चलती है, बावजूद इसके तीन संभावित उम्मीदवारों को लेकर जब हम जनता के बीच में गए और जनता जब भरोसा जता रही है कि 42.30% वोट के साथ राजवीर संधु को चुनावी मैदान में उतारा जाए, तब आप क्या देखते हैं? क्या वो एंटी कांग्रेस वेव थमती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, राजवीर संधु नया चेहरा है, मतलब उनका एक अलग पहचान है। राम भगत पहले निर्दलीय विधायक भी रहे हैं, फिर दल बदल किया, इनेलो में भी गए कांग्रेस में, अब कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। तो जिस तरह अजय चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनको लोगों ने अजमाया हुआ है, तो राजवीर एक नई ऊर्जा के साथ जो लोगों में विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि जो लोग पहले जिनका लोग अतीत देख चुके हैं तो लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन के रूप में एक नई आशा की किरण दिखाई देती है। और कांग्रेस में अगर इस तरह से एक नई आशा का संचार हो रहा है तो कांग्रेस के लोगों को, हालांकि कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा है, तो लोगों में कांग्रेस के एक नई आशा की किरण देखते हैं, कोई नया चेहरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के लिए एक नया विकल्प बन सके, कांग्रेस की आशाओं का संचार कर सके, इस तरह लोग देख रहे हैं। तो उसके ऊपर, राजवीर के ऊपर लोगों की अपेक्षा इसलिए ज्यादा है कि एक नए चेहरे के रूप में लोगों का यह कहना है, ऊपर लोग ज्यादा केंद्रित नहीं कर रहे, तो एक कैप्टन अभिमन्यु को चुनौती देने की स्थिति है, तो इसलिए कांग्रेस यहां कितना दमखम दिखा पाएगी। कांग्रेस में जिस तरह विभाजन है तो उस समय कांग्रेस की शक्ति तो क्षीण है ही है, तो ऐसे में कांग्रेस के एक सभी संगठित होकर कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ पाएगी और कितनी मजबूती के साथ लड़ पाएगी, ये देखने वाली बात है। महेश, राजवीर संधु और प्रोफेसर राम भगत शर्मा के बीच में जो फासला है वो महज 4% का है, यानी कि जनता ने उम्मीदवारी के लिए जो भरोसा जताया वो राजवीर संधु पर जताया, लेकिन प्रोफेसर राम भगत शर्मा भी पीछे नहीं है। और राम भगत शर्मा जो निर्दलीय विधायक भी रहे हैं, इनेलो में गए, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, क्या लगता है आपको राजवीर संधु पर भारी पड़ सकते हैं? क्या हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद होने के नाते क्या उन पर भरोसा जता सकती है पार्टी? देखिए, सबसे पहले मैं वीरेंद्र जी को ये बताना चाहूंगा कि राजवीर संधु जो नाम है नारनौंद के इलाके के लिए नया नहीं है। पिछला जो विधानसभा चुनाव है वो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर राजवीर संधु को ही चुनावी मैदान में उतारा गया था उस वक्त जो है, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि राजवीर संधु का जो नाम है नारनौंद विधानसभा के लिए नया है या उन्हें आजमाया नहीं गया। और जहां तक आजमाने की बात है तो इन तीनों नामों में सिर्फ राम भगत शर्मा, प्रोफेसर राम भगत शर्मा ही एक ऐसा नाम है जो सर्वजातीय महापंचायत
पंचायत के समर्थन से निर्दलीय विधायक नारनौंद से बने थे, उसके बाद वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी बन गए थे। तो ऐसे में अब तक भी पिछले 10 साल से लगातार रामभगत शर्मा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। और राजवीर संधू की अगर बात की जाए तो ये सबसे खासम खास माने जाते हैं जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक तंवर। तो साफ तौर से यहां भी जो कांग्रेस के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में तस्वीर देखने को मिल रही थी, वही तस्वीर कमोवेश नारनौंद विधानसभा में भी देखने को मिल रही है। पिछली बार अगर जो अशोक तंवर की जो बात है वो मानी गई तो ऐसे में राजवीर संधू के हाथ जो है नारनौंद का टिकट लगा था, और अब की अगर बात की जाए तो एक बार फिर कोशिश करेंगे राजवीर संधू अशोक तंवर के बूते टिकट हासिल करने की। और जहां तक प्रोफेसर रामभगत शर्मा की बात है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, और जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर रहेगी कि टिकट के लिए बंदोबस्त जो है पार्टी के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही करना है प्रोफेसर रामभगत शर्मा के लिए। और अगर डॉक्टर अजय चौधरी की अगर बात की जाए तो डॉक्टर अजय चौधरी पेशे से डॉक्टर हैं और लंबे अरसे से इस इलाके में राजनीति में सक्रिय रहे हैं और ग्रास रूट पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार वो काम करते हैं। डॉक्टर अजय चौधरी की अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा की वो खास माने जाते हैं और ऐसे में टिकट दिलवाने की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा पर है। तो साफ तौर से तीन जो बड़े नाम है उनमें एक नाम अशोक तंवर का, दूसरा नाम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और तीसरा जो नाम है वो कुमारी शैलजा का, यानी हिस्सों में यहां कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। और जो पब्लिक का जो वोटिंग पैटर्न जो देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं राजवीर संधू जरूर ये मानना पड़ेगा कि उनके पास एक एज है और काफी गैप के साथ वो जो है आगे चल रहे हैं। जी सुजीत कुमार जी, एक तरफ राजवीर संधू जो जनता की पहली पसंद बने हुए हैं उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में, हालांकि हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, दूसरी तरफ प्रोफेसर रामभगत शर्मा जो निर्दलीय विधायक रहे हैं, इनेलो से होकर आए हैं, कांग्रेस में अब हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, और जो फासला है दोनों के बीच में महज 4% का, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जो सर्वे है वो कांग्रेस को पसंद करने वाले जो लोग कांग्रेस को चाहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस को वोट देना है, उन लोगों का सर्वे है, और उन्होंने जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर वो राजवीर संधू को पसंद कर रहे हैं। राजवीर संधू को इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पसंद कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी वो कांग्रेस का चेहरा थे और नारनौत से उन्होंने चुनाव लड़ा था, भले ही वो चौथे नंबर पर आए हों, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो है दूसरे लोग उतने प्रभावी नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो एक चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर। तो उस तरह से लोग उनको देख रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस फिर से उन पर दांव लगाए। रही बात प्रोफेसर रामभगत और डॉक्टर अजय चौधरी की, तो वो भी रेस में है, अभी अगर उनको मौका मिलता है तो हो सकता है कि जो पसंद करने वाले लोग हैं कांग्रेस को वो भी जो है उनको उतना पसंद करें, क्योंकि अभी सब जगह पे संधू का नाम ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें ज्यादा मत प्रतिशत मिलते दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे है राजवीर संधू, हालांकि पहले चुनाव हार गए थे, वहीं प्रोफेसर रामभगत शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, डॉक्टर अजय चौधरी तीसरे नंबर पर हैं। दिल थामकर बैठे रहिएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इनेलो और जेजेपी के भी पत्ते खुलने वाले हैं, जनता ने किसकी उम्मीदवारी पर कितना भरोसा जताया है ये भी आपको बताएंगे रेस 2019 में। देश की जनता क्या चाहती है ये जनता ने बता दिया है, टोटल न्यूज के सर्वे में अपनी राय को कैद कर दिया है, पिटारे खुल रहे हैं, नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, संभावित उम्मीदवारों में जनता क्या चाहती है कि कौन उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में आए, कौन उम्मीदवार बनकर पार्टी का चेहरा बने, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, इन तीन पार्टियों के पत्ते खुलने बाकी हैं, और काउंटिंग सेंटर भी बड़ा फैसला आने के लिए तैयार है। एक बार फिर से काउंटिंग सेंटर तैयार है, साकिर बड़ा फैसला क्या आया है? जी, अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संभावित नामों को लेकर जो फैसला जनता ने दिया है वो अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। कैप्टन अभिमन्यु का नाम था एक, अजय संधू और सुदेश चौधरी, ये तीन नाम सामने थे, इसमें सुदेश चौधरी को 2.23% लोगों का महज समर्थन मिला है, तो वहीं अजय संधू को 23.33% लोगों का समर्थन मिला है, और ये रेस सीधे तौर पर कैप्टन अभिमन्यु जीत रहे हैं 74.44% लोगों के समर्थन के साथ। बिल्कुल, बड़ी जानकारी आपको दे दे, कैप्टन अभिमन्यु जो कि वित्त मंत्री भी हैं मौजूदा सरकार में, इस रेस को जीतते हुए 74.44% वोट के साथ सिटिंग एमएलए, और जनता ने भरोसा जताया कैप्टन अभिमन्यु के काम पर। नारनौंद जो कि पिछड़ा रहा है विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे में प्रदेश की जनता भरोसा जता रही है एक बार फिर से कैप्टन अभिमन्यु पर। वहीं अजय संधू जो
भतीजे भी हैं कैप्टन अभिमन्यु के 23.33% वोट के साथ। दूसरे नंबर पर सुरेश चौधरी का ही रेस में ही नहीं है 2.23% वोट के साथ। महेश, कैप्टन अभिमन्यु को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि कैप्टन अभिमन्यु ने जो काम किए हैं उन सब्जेक्ट्स के आधार पर, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, उद्योग की बात करें, बिजली सड़क पानी की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में जनता कितना पसंद कर रही है, तो नंबर निकल के सामने आ गए 74.44%। देखिए कैप्टन अभिमन्यु के नाम की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक सबसे बड़े नाम में आप कह सकते हैं कि शुमार होते हैं, और यही वजह है कि बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधों का पनपना मुमकिन नहीं है। वही हालात यहां पर नारनौंद विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं। जहां तक विकल्प की अगर बात की जाए तो अजय सिंधु भतीजे में है, पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से वो भतीजे का रिश्ता रखते हैं, लेकिन जो कैप्टन अभिमन्यु की व्यस्तताएं हैं बतौर मंत्री, वित्त मंत्री की हैसियत और तमाम दूसरे मंत्रालय उनके व्यस्तताओं के चलते चंडीगढ़ और दिल्ली में जो सरकार का कामकाज है वो कैप्टन अभिमन्यु देखते हैं। लेकिन नारनौंद विधानसभा में अगर वोटर्स के काम की अगर बात की जाए या इलाके के विकास के अगर काम की बात की जाए या गांव-गांव में किस तरीके की जरूरतें इलाके के लोगों की हैं उनको देखने समझने और उन्हें जो है उस काम को पूरा करवाने की अगर बात की जाए तो अजय सिंधु कैप्टन अभिमन्यु की गैर मौजूदगी में वो तमाम जिम्मेदारियां निभाने का काम करते हैं। तो एक तरीके से आप विकल्प सिर्फ इतना मान सकते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु अगर किसी भी दूसरी स्थिति में, अगर केंद्रीय नेतृत्व में अगर कोई दूसरी भूमिका उन्हें दे दी जाती है तो ऐसे में जो नारनौंद विधानसभा है उसके विकल्प के रूप में अजय सिंधु हो सकते हैं, कम से कम इतना समझने की जरूरत है। उससे ज्यादा बतौर विधायक कैप्टन अभिमन्यु की मौजूदगी में या चुनावी मैदान में अगर कैप्टन अभिमन्यु खुद मौजूद है नारनौंद के रण में तो अजय सिंधु के नाम का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में कैप्टन अभिमन्यु कहीं और पार्टी उन्हें एडजस्ट कर देती है तो नारनौंद का जो चुनावी रण है वो अजय सिंधु के लिए खुल जाता है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु की गैर मौजूदगी में तमाम कार्यकर्ताओं से संपर्क जो है अजय सिंधु का है और तमाम जो कामकाज है वो भी अजय सिंधु ही अफसरों के जरिए और तमाम जो सरकारी मशीनरी है उसके जरिए करवाने का काम करते हैं। विकल्प के रूप में यहां पर जरूर अपनी गैर मौजूदगी में कैप्टन अभिमन्यु अजय सिंधु को तैयार किए हुए हैं, लेकिन सही मायनों में आप उसे विकल्प नहीं कह सकते। जहां तक जो है महिला नेत्री की बात है तो ऐसे में सुदेश चौधरी को लेकर यह कहा जा सकता है कि राजनीति में फायदे उठाने का जो क्रम है वो जरूर यहां पर सुदेश चौधरी उठाती नजर आ रही हैं, लेकिन जहां तक उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बतौर नेता शून्य के करीब कह सकते हैं। सिर्फ 2% वोटर्स ने सुदेश चौधरी को वोट किया, यानी खाप का नेतृत्व भी वो कर रही हैं, पहली महिला खाप नेता उन्हें माना जाता है और तमाम जो बयान है मीडिया में वो बयान जारी करती हैं महिला खाप नेता होने के नाते, और सत्रोल खाप की वो महिला प्रधान मानी जाती है। बावजूद इसके ना तो उनकी खाप से ना तो नारनौंद विधानसभा के दूसरे वोटर्स की तरफ से उन्हें जो है एक उम्मीदवार के रूप में पसंद किया जा रहा है। सिर्फ महज 2% वोट ये साबित कर रहे हैं कि राजनीति में उन्हें, और खास बात यह भी कि प्रदेश कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी में उन्हें पद दिया गया है, प्रदेश स्तर का पद उनके पास हासिल है, और बावजूद इसके नारनौंद के चुनावी रण में वो खुद उम्मीदवार की हैसियत भी रखना चाहती हैं, उतरना भी चाहती हैं, लेकिन महज 2% वोट ये साबित करते हैं कि सुदेश चौधरी बतौर नेता पूरी तरीके से अस्वीकार कर दी गई है और उनका नारनौंद विधानसभा के जो चुनावी मैदान है उसमें कोई अस्तित्व उनका नहीं है। जी बिल्कुल, चुनावी मैदान में सुदेश चौधरी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अजय सिंधु जिनके चाचा विधायक हैं कैप्टन अभिमन्यु, इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे मुकाबला, एक तरफा जीत कैप्टन अभिमन्यु को मिल रही है। क्या लगता है आपको वीरेंद्र सोनी साहब कि मुख्यमंत्री जो लगातार बयान दे रहे हैं कि मंच पर बैठे वाले नीचे आ जाएंगे और नीचे बैठे वाले मंच पर आ जाएंगे, वो फॉर्मूला कैप्टन अभिमन्यु पर तो कम से कम लागू नहीं होगा, कैप्टन अभिमन्यु सेफ नजर आ रहे हैं? लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क हमारा टूट गया है वीरेंद्र सोनी साहब से। वीरेंद्र सोनी साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से आऊंगी आपके पास, तकनीकी खराबी है कुछ। सुजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत जी, जो सवाल मैंने सोनी साहब से पूछा था वही सवाल आपसे, क्या जो बयान लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहा था वो फॉर्मूला कि मंच पर बैठे वाले नीचे आ जाएंगे और नीचे बैठे वाले मंच पर आ जाएंगे, वो फॉर्मूला कम से कम कैप्टन अभिमन्यु पर तो लागू नहीं होगा, एकदम सेफ नजर आ रहा है कैप्टन अभिमन्यु?
देखिए, ये बीजेपी के जो मतदाता हैं या जो बीजेपी के चाहने वाले हैं, उनकी राय है कि कैप्टन अभिमन्यु अभी नारनौत विधानसभा में सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा पसंद लोग उनको कर रहे हैं वहाँ पर, खास तौर से जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं या बीजेपी को पसंद करते हैं। रही बात वहाँ पर टिकट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जब कमेटी तय, चुनाव कमेटी होगी बीजेपी की, वो तय करेगी उनको कहाँ से चुनाव लड़ाना है कहाँ से नहीं लड़ाना है, मंच पर रहेंगे या नीचे उतरेंगे, ये सारा फैसला जो है पार्टी आलाकमान या जो चुनाव के लिए कमेटी बनेगी, जो उम्मीदवारों को नाम तय करेगी, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव अभी हुए थे 2019 में, वो आपने देखा होगा कि हिसार में बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से चुनाव जीतता है, और उसके बाद फिर वहाँ चुनाव जीतने के बाद आपने देखा होगा कि 9 विधानसभा क्षेत्र एक लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, और सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु की ही विधानसभा क्षेत्र है नारनौत, जहाँ से बीजेपी उम्मीदवार को वोट कम मिले, बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले जेजेपी उम्मीदवार को वहाँ पर 3030 वोट ज़्यादा मिले। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि एक मंत्री होने के नाते उनके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार को वोट कम क्यों मिले, और जबकि सारी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को वोट ज़्यादा मिले बाकी उम्मीदवारों से, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा दूसरा सवाल वहाँ पर एक और उठ रहा है कि जब पिछली बार जो है कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीते थे 2014 में, तो उस समय भी जो है बहुत कम फासला था जीत का, 5761 मत से वो जीते थे, और जो नज़दीकी हार थी इनेलो के उम्मीदवार की राज सिंह मोर, वो दूसरे नंबर पर आए थे और करीब 5761 वोटों से उनकी हार हुई थी। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे, और दूसरी बात जब लोकसभा चुनाव हुआ है अभी 2019 का, तो उसमें जेजेपी उम्मीदवार उनकी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले ज़्यादा वोट ले गया। तो ये भी एक बड़ा पहलू है कि कोई इतना पावरफुल मंत्री हो प्रदेश सरकार में और नंबर टू की हैसियत रखता हो सरकार में और वित्त मंत्रालय भी उनके पास हो, फिर भी वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में उन इस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का हो, तो वो बड़ा चिंताजनक विषय है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि खास तौर पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ जो जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ, उसमें भी जो है जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता थे वो लगातार जो है कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, और एक कैप्टन अभिमन्यु, दूसरे जो है ओम प्रकाश धनखड़, दो मंत्रियों के खिलाफ वो जबरदस्त मोर्चा खोले हुए थे, और वो कह रहे थे कि बार बार ये बात कहते थे कि जाट नेता और जाट प्रतिनिधि होने के नाते भी वो सरकार में उनकी बात नहीं उठा पाते। तो शायद यही वजह हो सकती है कि जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता या फिर जो उससे जुड़े हुए लोग थे, इन दो मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। वही वजह है कि दोनों मंत्रियों के इलाके में बीजेपी उम्मीदवार को कम वोट मिले। अगर लोकसभा में ऐसी स्थिति हुई है तो विधानसभा में भी ये बात चिंता की उनके लिए हो सकती है, और शायद यही वजह है कि जब हमारी सर्वे की टीम अभी गई थी नारनौत, तो सर्वे टीम ने यह भी देखा कि जगह जगह वहाँ पोस्टर भी लगाए गए हैं कि 36 बिरादरी का साथ है, कैप्टन अभिमन्यु के साथ है, तो 36 बिरादरी के साथ होने का जो पोस्टर लगाया गया उसका भी एक अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं ये जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने मुद्दा उठाया या उनके खिलाफ मुहिम छोड़ी, उसको उसकी काट के तौर पर अब वो 36 बिरादरी का साथ लेने की बात कर रहे हैं और साथ होने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये 36 बिरादरी का साथ जो कैप्टन अभिमन्यु वहां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अपने पोस्टर के जरिए या अन्य तरीके से, वो कितना समर्थन उनको 36 बिरादरी का मिल पाता है। बिल्कुल वीरेंद्र सोनी साहब, सियासत के अभिमन्यु चारों तरफ से किस किस समीकरण से घिरे हुए हैं। एक तरफ जाट आरक्षण के दौरान उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिली, जाट समुदाय में नाराजगी है कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ। दूसरी तरफ जीत का मार्जिन बेहद कम था 2014 में,
हो सकता है एंटी कांग्रेस वेव का फायदा मिल गया हो कैप्टन अभिमन्यु को। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए अब आप क्या स्थिति देखते हैं कैप्टन अभिमन्यु की? कैप्टन अभिमन्यु अगर ये विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़े थे तो ये मुख्यमंत्री के रूप में उनको पेश किया गया था, तो वो सिर्फ मंत्री बनने के लिए हरियाणा में नहीं आए थे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में उनका कद था, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और उनका जो व्यक्तित्व है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उनकी अच्छी पैठ है, और उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रहे हैं, अब पंजाब के भी प्रभारी रहे हैं, तो उनको संगठन में बहुत बड़ी उनका एक मान सम्मान भी है और उनकी क्षमता का उनका सभी लोग भी मानते हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु केवल हरियाणा में मंत्री बनने के लिए आए थे, तो उस समय के समीकरण ऐसे बने कि वो सामाजिक समीकरण के हिसाब से मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाए और आगे के लिए भी मुख्यमंत्री पद की रेस में वो बाहर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये तो तभी हो सकता है जब मनोहर लाल जी कल्याण सिंह बन जाए तभी उनकी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण इस हिसाब से बैठते नहीं। अमित शाह जी पहले कह चुके हैं कि मनोहर लाल जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो मेरे ये लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका संगठन में कद इतना ज्यादा है और पार्टी उनको संगठन में महत्व देगी। अभी राज्यसभा की सीट भी खाली होगी, रामकुमार कश्यप की सीट से खाली होने कार्यकाल पूरा हो रहा है और चौधरी वीरेंद्र सिंह की राज्यसभा सीट पर भी अभी संशय बना हुआ है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है पार्टी को, तो ये सब देखने की है। उनकी केंद्रीय राजनीति में ज्यादा भूमिका है, कैप्टन अभिमन्यु की केंद्रीय राजनीति में ज्यादा भूमिका है और पार्टी संगठन ये भी हो सकता है कि उनको हरियाणा में अगला विधानसभा चुनाव ना लड़ाए, ये बात देखने वाली है। और संगठन के साथ साथ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी लोकप्रिय हैं, जिस तरह का उनका शिक्षा का स्तर है, जिस तरह की उनकी पैठ है और जिस तरह सहज और सरल है, ये नहीं लगता कि मुझे कि वो हरियाणा में मंत्री बनने के लिए ही अगली बार का चुनाव तक सीमित रहेंगे। जी महेश, इत्तेफाक रखते हैं वीरेंद्र सोनी साहब की इस बात से, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु का कद बड़ा है, संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं, केंद्र में क्या लगता है संभावनाएं खोजी जाएंगी कैप्टन अभिमन्यु के लिए? देखिए, साफ तौर से जनता की राजनीति कैप्टन अभिमन्यु करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा के रास्ते वो जाने की कोशिश करेंगे। नारनौंद का चुनावी रण बड़ी मुश्किल से एक उपजाऊ जमीन उन्हें मिली है, उससे पहले नारनौंद से पहले जो कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ते थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लड़े, उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लड़े, तो नारनौंद से पहले जो रोहतक से चुनाव लड़ने का काम कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से किया जाता था, उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, उनके बेटे बाय इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसे में एक जो जीत की थी वो काफी कम थी। अब कहते हैं कि नेता को जिंदा रहने के लिए और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जनता की जरूरत पड़ती है, ऐसे में एक मात्र नारनौंद विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां से उन्हें जो है कनेक्टिविटी मिली, जहां से उन्हें फर्टिलिटी मिली और जहां से वो जीतकर वित्त मंत्री की हैसियत तक पहुंचे। अगर अब नारनौंद के चुनावी रण को कैप्टन अभिमन्यु ने छोड़ दिया या राज्यसभा के रास्ते वो केंद्रीय राजनीति में चले भी जाते हैं तो बाद में एक बार फिर से नारनौंद में लौट कर आना उनके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की हवा है, चाहे केंद्र की बात की जाए चाहे हरियाणा की बात की जाए, लेकिन वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता और अगर यह हवा जो है आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में अगर खत्म हो जाती है तो ऐसे में कोई विधानसभा क्षेत्र खाली कैप्टन अभिमन्यु को नहीं मिल पाएगा जहां से वो अपनी मजबूती या अपनी जीत की दावेदारी को सामने रख सकें। तो ऐसे में मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद के चुनावी रण को किसी भी हाल में छोड़ने जा रहे हैं, वो अपनी हर संभव कोशिश ये करेंगे कि राज्यसभा में चाहे किसी को भी भेज दिया जाए लेकिन नारनौंद से वो चुनावी मैदान से ही जीत कर जाने की कोशिश करेंगे। हां, ये बात सच साबित होगी कि नारनौंद विधानसभा के चुनावी रण में कैप्टन अभिमन्यु की सांसें फूलने वाली हैं। वजह सिर्फ एक है कि जननायक जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं कि अस्तित्व अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी का है तो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। जींद में जब जननायक जनता पार्टी की तरफ से रैली की गई तो हमने देखा था कि नारनौंद की जो भीड़ थी सबसे ज्यादा उस भीड़ में आधे करीब करीब आधी जो भीड़ थी जो जींद में इकट्ठा हुई थी जननायक जनता पार्टी की स्थापना को लेकर, उसमें करीब आधी भीड़ जो है वो नारनौंद से जींद तक पहुंची थी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जननायक जनता पार्टी के गठन में सबसे ज्यादा अगर किन्हीं लोगों का योगदान है तो वो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स का है। जी, ऐसे में चुनावी जो मुकाबला है बेहद घमासान होने वाला है और ये भी संभावना है कि रामकुमार गौतम अगर जो है पार्टी जननायक जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो खुद दुष्यंत चौटाला भी जो है नारनौंद के चुनावी रण में उतर सकते हैं, क्योंकि यही वो एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी और अगर पार्टी को जिंदा रखना है, जननायक जनता पार्टी को अगर जिंदा रखना है तो दुष्यंत चौटाला को हर हाल में विधानसभा तक पहुंचना होगा और यही वो
विधानसभा क्षेत्र है जहां कम से कम जीत की गारंटी ना सही लेकिन मुकाबला जरूर होगा और बेहद दिलचस्प होगा। तो ऐसे में यह भी मानकर चलिए कि कैप्टन अभिमन्यु की सांसें जरूर फूलने वाली है। बिल्कुल जी, कैप्टन अभिमन्यु की सांसें यहां फूलने वाली है क्योंकि टक्कर उन्हें यहां पर मिलने वाली है। सुजीत जी, कैप्टन अभिमन्यु राजनीति के चक्रव्यूह को कितने भेदते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनौती जो है सिर्फ पार्टी के बाहर से नहीं पार्टी के अंदर भी मिल रही है कैप्टन अभिमन्यु को। जरूरी नहीं है कि जो समर्थक खड़े हों वो खुद भी महत्वाकांक्षा ना रखते हों। देखिए बिल्कुल ये कह सकते हैं, महेश अगर बता रहे हैं कि वहां से दुष्यंत चौटाला भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने उचाना से सांसद होते हुए भी विधानसभा का चुनाव उचाना से लड़ा था लेकिन उनको उचाना से समर्थन नहीं मिला था, और 2014 के लोकसभा चुनाव में उचाना से भी उनको सबसे ज़्यादा मत मिले थे। शायद यही वजह रही कि वो उचाना से चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ने गए थे। अगर इस बार वो सांसद जरूर नहीं बन पाए, हिसार लोकसभा का चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन नारनौद ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा है हिसार की 9 विधानसभा क्षेत्रों में से, तो उसमें हो सकता है कि वो उसी तरीके का विकल्प तलाशें कि वहाँ पर अगर जनता उनको ज़्यादा पसंद कर रही है तो वो कैप्टन अभिमन्यु के सामने चुनाव लड़ने का हिम्मत जुटा पाएं, क्योंकि अब देखना होगा कि कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी की जो सरकार है राज्य में उसमें नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और एक पावरफुल मिनिस्टर हैं, अगर उनके सामने दुष्यंत चौटाला आते हैं तो मुकाबला बहुत रोचक होगा। और वहाँ पर देखना होगा कि विधान लोकसभा चुनाव में तो भले ही दुष्यंत का साथ वहां के लोगों ने दिया है, विधानसभा में स्थिति नए समीकरण से बनेगी अगर दुष्यंत चौटाला वहां विधानसभा के हिसाब से उतरते हैं तो। और कैप्टन अभिमन्यु पिछला चुनाव लड़े और जीते भी हैं, भले ही मार्जिन कम रहा लेकिन जीत तो जीत होती है, चाहे एक वोट से ही आदमी जीते, लेकिन यह जरूर है कि नेलो उम्मीदवार राज सिंह मोर जो 48,009 वोट पाए थे पिछली बार, अब इस बार इनेलो और जेजेपी में अगर अलग आव हुआ है तो वहां जेजेपी को लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वोट मिले हैं उससे कह सकते हैं कि जेजेपी वहां पर अब इनेलो के मुकाबले मजबूत दिख रही है, और इसी मजबूती के आधार पर वहां दुष्यंत चौटाला अगर हिम्मत जुटाते हैं चुनाव लड़ने का तो मुकाबला रोचक हो सकता है। बिल्कुल, तो दो पार्टियों के पत्ते खुल गए हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी में कैप्टन अभिमन्यु बेहद मजबूत स्थिति में क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं, वहीं अजय सिंधु दूसरे नंबर पर 23.33% वोट के साथ और सुदेश चौधरी कहीं रेस में ही नहीं है 2.23% वोट के साथ। ये बनी हुई स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, और बाकी की पार्टियों में क्या स्थिति बनी हुई है इसके लिए काउंटिंग सेंटर फिर से तैयार है। साकेत, बिल्कुल, अब जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों के को लेकर जो हमने जनता के बीच जाकर राय जाननी चाहिए उसके नतीजे मेरे पास हैं। जननायक जनता पार्टी की तरफ से 3 नाम, संभावित नाम हमने सामने रखे थे, उमेद लोहान, रामकुमार गौतम और अमित बूरा। अमित बूरा को 15.69% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं रामकुमार गौतम को 27.45% लोगों का समर्थन मिल रहा है, और ये रेस जननायक जनता पार्टी के भीतर जीतते हुए नजर आ रहे हैं उमेद लोहान 56.86% लोगों के समर्थन के साथ। तो बड़ी जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को, उमेद लोहान सबसे आगे 56.86% वोट के साथ, रामकुमार गौतम दूसरे नंबर पर 27.45% वोट के साथ। बड़ी जानकारी ये भी देते हैं कि 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं रामकुमार गौतम फिर भी जनता के दिल में नहीं उतर पाए हैं। अमित बूरा 15.69% वोट के साथ तीसरे नंबर पर, तो संभावित उम्मीदवारों की इस रेस में उमेद लोहान सबसे आगे। जेजेपी की तरफ से चेहरा कौन सा होना चाहिए? उमेद लोहान का होना चाहिए। और बैक टू बैक काउंटिंग सेंटर से एक और बड़ा फैसला साकेत, काउंटिंग सेंटर तैयार है। बिल्कुल, अब जो अंतिम नतीजे हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे सामने आ चुके हैं। राज सिंह मोर और सतवीर स्यास के अलावा जस्सी पेटवाड़, ये 3 नाम थे जिस पर जनता से हमने राय जाननी चाहिए। इसमें जस्सी पेटवाड़ को 14.28% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, सतवीर स्यास को 28.57% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये रेस इंडियन नेशनल लोकदल के लिहाज से राज सिंह मोर 57.15% लोगों के समर्थन के साथ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इनेलो से भी स्थिति साफ हो गई है। राज सिंह मोर 57.15% वोट के साथ पहले स्थान पर, 2014 में भी चुनाव हार गए थे, हालांकि दूसरे स्थान पर रहे थे, मार्जिन बहुत कम था, हार का जो मार्जिन था वो बेहद कम था। वहीं सतबीर सिसाय 28.57% वोट के साथ दूसरे नंबर पर है, जस्सी पेटवाड़
14.28% वोट्स के साथ। साकिब बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेजेपी और इनेलो इन दोनों ही पार्टियों के पत्ते भी खुल गए हैं। वीरेंद्र सोनी साहब, जेजेपी के लिए कम से कम नारनौंद तो वो सीट है जहां चुनाव लड़ना महज औपचारिकता नहीं है। बिल्कुल, जेजेपी यहां एक मजबूत स्थिति में है। उमेश सिंह लोहान जो है चेहरा है, मजबूत प्रत्याशी माने जा रहा है। तो जननायक जनता पार्टी के लिए अगर कोई आशा या किरण है तो नारनौंद ही दिखाई देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का यहां प्रत्याशी बदला जाता है तो जननायक जनता पार्टी को काफी अपेक्षाएं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस कभी यहां कभी जीती नहीं, कांग्रेस के लोगों ने ज्यादा विश्वास किया नहीं यहां पर ज्यादातर। तो इसलिए जननायक जनता पार्टी मजबूत विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके अंदर से उम्मीद अगर कहते हैं जिस तरह अगर दुष्यंत चौटाला मैदान में आ जाते हैं तो यह तस्वीर का रुख दूसरा हो सकता है। तो आने वाले समय में यह देखने वाली बात है जननायक जनता पार्टी उम्मीद लाउन पर दबाव लगी या दुष्यंत चौटाला अपने आप को यहां की सुरक्षित सीट मानकर यहां पर मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल महेश, जेजेपी और इनेलो क्योंकि दोनों ही दल अलग हो चुके हैं, इन दोनों ही दलों के अलग होने के बाद क्या आपको लगता है इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी अकेले इतनी टक्कर दे सकते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु के सामने एक चुनौती, एक मजबूत दावेदार उतार सके? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जरूर यहां पर सामने रख सकता हूं कि नारनौंद के चुनावी रण में अगर दुष्यंत चौटाला उतरे तो यह संभावनाएं भी बनती हैं कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक साथ मिलकर कैप्टन अभिमन्यु का मुकाबला करने की कोशिश करें। ये संभावनाएं बनती हैं कि INLD और JJP एक साथ मिलकर दुष्यंत चौटाला को आगे जिताने के लिए या जननायक जनता पार्टी के अस्तित्व या चौधरी देवीलाल के परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को रखने के लिए जेजेपी और INLD मिलकर जो है कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ जो है चुनावी मैदान को तैयार करने का काम करें और वोटिंग पैटर्न कुछ इस तरीके का देखने को मिले, संभावना इस तरीके की बन सकती है। जो कि अगर रामकुमार गौतम की बात की जाए जो जिस तरीके से बता रहे थे कि 6 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं नारनौंद सीट से और 7वां चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। अब जननायक जनता पार्टी का जो वोटर है दरअसल उसमें एक बड़ा जो परसेंटेज है या कहें कि निर्णायक अगर परसेंटेज है तो जाट वोटर्स का है, और चूंकि INLD से अलग होकर जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ ऐसे में सबसे ज्यादा अगर जो जननायक जनता पार्टी के समर्थित वोटर्स की अगर बात की जाए या सपोर्टर्स की बात की जाए तो जाट जाति के लोग उसमें सबसे ज्यादा हैं। अब रामकुमार गौतम के अतीत को अगर समझने की कोशिश करें तो चौटाला परिवार को काफी ज्यादा कोसने का काम जो है रामकुमार गौतम की तरफ से किया जाता था, हालांकि पार्टी के वजूद को खड़ा करने के लिए, जननायक जनता पार्टी के वजूद को खड़ा करने के लिए दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह कोशिश की गई थी कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ब्राह्मणों का जो वोट है वो जननायक जनता पार्टी के साथ जोड़ने की मंशा के साथ रामकुमार गौतम को पार्टी ज्वाइन करवाई गई थी, और रामकुमार गौतम ये सोचकर जननायक जनता पार्टी के साथ आए थे कि ब्राह्मणों के वोट वो खुद हासिल कर लेंगे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और जाटों का जो निर्णायक वोट है वो जननायक जनता पार्टी जो है उनको डलवाने का काम करें, यानी जेजेपी की अगर टिकट मिली तो ब्राह्मणों के वोट वो खुद हासिल करेंगे और जाटों के वोट दुष्यंत चौटाला दिलवाने का काम करेंगे। अब चूंकि लोकसभा चुनाव में जो है रामकुमार गौतम ब्राह्मणों का वोट जननायक जनता पार्टी या दुष्यंत चौटाला के खाते नहीं डलवा पाए तो ऐसे में संशय की स्थिति यहां पर बनी हुई है, और अगर दुष्यंत चौटाला सामने आए तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी और INLD और जेजेपी के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं तक पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल सुजी जी, राज सिंह मोड पहले हार चुके हैं चुनाव, दूसरे स्थान पर रहे थे, और अब इनेलो जेजेपी जब अलग हो चुकी है तब आप दोनों ही दलों में किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत देखते हैं? देखिए बिल्कुल अभी कह सकते हैं जेजेपी का जो अभी तुरंत चुनाव हुआ है 2019 लोकसभा का उसमें जो है जेजेपी मजबूत स्थिति में वहाँ है और इनेलो कमजोर हुई है। भले ही राज सिंह मोर की स्थिति अभी वहाँ इनेलो में मजबूत दिख रही है, लेकिन अगर जनता के बीच की बात करेंगे तो जनता के बीच में जेजेपी वहाँ अच्छी स्थिति में है। और दूसरी बात, रामकुमार गौतम पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो वहाँ तीसरे नंबर पर रहे, वो 34,756 वोट उनको मिले थे। अगर बात करें, ये एक बड़ा वोट बैंक है जो उनको वहाँ पर वोट के तौर पर मिला, कांग्रेस उम्मीदवार वहाँ पर चौथे नंबर पर चले गए सिर्फ रामकुमार गौतम की वजह से। अब रामकुमार गौतम जेजेपी में शामिल हो गए हैं तो उनकी स्थिति अगर आप देखें
तो उमेद लोहान से नीचे चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि राम कुमार गौतम को जेजेपी में उतना पसंद नहीं किया जा रहा है जितना कि उन्हें जो है बतौर निर्दलीय पसंद किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि राम कुमार गौतम वहां से उतरते हैं या उमेद लोहान अगर नंबर एक पर आ रहे हैं तो उनको टिकट मिलता है, या फिर अगर दुष्यंत चौटाला खुद जो है अभी पार्टी पूरी संभाल रहे हैं अगर वो वहां से लड़ने का फैसला करते हैं तो इन दोनों या बाकी जो और उम्मीदवार हैं उनका सवाल नहीं खड़ा होता है, तो फिर दुष्यंत चौटाला ही लड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बाकी अभी जो विधानसभा हमने दिखाई थी उनके मुकाबले जो है नारनौद में जेजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। बिल्कुल, तो कम से कम नारनौद की बात करें वहां पर जेजेपी के लिए चुनाव लड़ना महज औपचारिकता नहीं है। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है क्योंकि अभी भी बहुत सारी संभावनाएं तलाशी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए। तो नारनौद का ओपिनियन पोल क्या है, जनता की पसंद क्या है, ये हमने आपको बताया है। नारनौद की जनता क्या चाहती है ये सर्वे में तस्वीरें साफ हो चुकी है। अगली बार एक नई विधानसभा के सामने फिर से आपके सामने हाजिर होंगे रेस 2019 में इस नए सर्वे के साथ।